अभी तक आपने चोरी करने वाले चोर के सैकड़ों किस्से सुने होंगे, लेकिन मुरादाबाद के इस चोर के चोरी करने के तरीके से पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। मुरादाबाद की थाना गंज शहीद पुलिस ने शब्बीर और भोलू नाम के शातिर चोर को जब चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया तो पुलिस शब्बीर के चोरी करने के तरीके से हैरान हो गई। शब्बीर ने पुलिस को बताया कि वो बॉश कॉलोनियों में जाकर ये देखता है कि किस मकान की नाली से पानी निकले हुए कितनी देर हो गई। अगर उसे एक दो दिन तक लगातार मकान के अंदर से आने वाली नाली सूखी दिखती है तो वो समझ जाता था कि उस मकान में कोई नहीं है। तब शब्बीर अपने साथी के साथ उस बंद मकान में घुसकर ताले तोड़ने के बाद चोरी कर कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। पुलिस ने शातिर चोर शब्बीर से चोरी के काफी जेवर भी बरामद किए हैं। अब पुलिस शब्बीर के फरार साथी की तलाश कर रही है जो उसके साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। ये कल गंज शहीद पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसएसपी साहब के चलाए गए ऑपरेशन के तहत एक चोर को पकड़ा है, शब्बीर उर्फ भोलू। इसने कई घरों में सिविल लाइन क्षेत्र में चोरी की है जिससे करीब 1.5 से 2 लाख का माल बरामद हुआ है। और इनका मोटस ऑपरेंडी ये था कि जिस घर में भी नाली नहीं चलती थी, पानी नहीं आता था, बंद घर देखते थे, उन घरों में ये चोरी करते थे। इनके पकड़े जाने से 3 चोरियों का खुलासा हुआ है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इनके द्वारा गाजियाबाद और लखनऊ में भी चोरियाँ की गई है जिनका आपराधिक इतिहास इकट्ठा किया जा रहा है। और इनसे पूर्व में दरोगा जी के यहाँ हुई चोरी का भी खुलासा हुआ है। ये बंद पड़े घरों में ताले तोड़कर उनमें से ज्वेलरी और कैश को ही चोरी किया करते थे। कितने तोले ज्वेलरी इनके पास से बरामद हुई है, कितनी कैश? करीब 4 तोले ज्वेलरी इनसे बरामद हुई है जो पीली धातु की है, और सिल्वर से कुछ कॉइन बरामद हुए हैं, और इन्वर्टर बैटरी जो एक फैक्ट्री से चुराया गया था वो भी इनसे बरामद किया। कितने लोग हैं इसमें? 2 लोगों का इनमें नाम प्रकाश में आया जिसमें से एक गिरफ्तार कर लिया गया, एक को वांछित कर दिया गया। एक पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जी थे, उनके घर की चोरी का खुलासा हुआ।